हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी रात के 9 बज गए। हम लोग एक लंबे सफ़र के लिए जा रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ। तो नई मुंबई से मनाली कितना दिन लगेगा मालूम नहीं, तो अभी निकल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बनी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुमरा में उतरा, सीट देगा तो सीट ले रहा हूँ। अभी मुमरा पहुँच गए। मुमरा में देखो सीट देगा ना, तो बाइक को सीट खाने को मन लगा। अभी सीट लिया हूँ, चिकन का सीट लिया हूँ। तो सीट खाते हैं फिर निकलते हैं। अभी टाइम हुआ 10 बजे, रात का 10 हो गया।
9 बजे निकला, अभी 12 बज गए, 3 घंटे में अभी 60 किलोमीटर चला पर हाईवे अभी मिला है, कलम्बली से लेकर गोडबंदर रोड तक पूरी की पूरी ट्रैफिक थी। रात 12 बज गया, अभी थोड़ा हाईवे मिला है, क्लियर। देखते हैं कब हम से उदयपुर, पहला जो अपना स्टे रहेगा उदयपुर। हम लोग अभी पहली बार जा रहे हैं ये साइड में, नॉर्थ की साइड में। देखो ये अभी पहला टोल बूथ है, वेलकम टू कानीवाड़ी टोल बूथ। ये अभी अपने को पहला टोल बूथ मिल रहा है, सूरत दहिसर टोल प्राइवेट लिमिटेड। अभी 12:25 हो गया रात का, अभी 12:25। देखते हैं अभी 200 किलोमीटर तक है, अभी 215 किलोमीटर है सूरत। देखते अभी कभी कब पहुँचते हैं हम लोग। ज़्यादा अपने को भगाना नहीं है, लेकिन आराम से जाएंगे, क्योंकि कल दोपहर तक उदयपुर पहुँचेंगे तो बस हो गया, फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। क्योंकि अपने को उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पहली बार जा रहे हैं हम लोग ये साइड। साउथ तो बहुत घूम चुके हैं, लेकिन ये जो नॉर्थ साइड पहली बार जा रहा हूँ। दूसरा टोल बूथ आ गया था, तो मुझे जोर कर लगी थी, तो मैं थोड़ा सुसु करने के लिए आया। और आपको मैं दिखाता हूँ ये टोल बूथ का जो टॉयलेट है उसका क्या हालत है। ये देखिए, ये है टॉयलेट, शौचालय। उसका अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उतना गंदा है। महाराष्ट्र गुजरात हाईवे का दूसरा टोल प्लाजा है चारोटी। यहाँ मैंने अभी टॉयलेट पे गया था यार, टॉयलेट क्या टॉयलेट है, दम बेकार। छोटी सी एक पेट पूजा करता हूँ, बहुत भूख लग रही है। डिनर नहीं किया, थोड़ा अपना बुमरा से शीख खाया बस, अभी थोड़ा भूख लग रही है, सोचा कि स्नैक्स ही खाऊं। अभी रात को ज़्यादा खाएंगे ना नींद आएगी, तो इससे अभी काम चला लेंगे।
का। फोगी फोग है, अभी भी गुजरात बॉर्डर नहीं पहुंचा है, लेकिन देखिए 18 टेम्परेचर है बाहर का और सब लोग देखो हजार्डस लाइट डाला हुआ है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। मनाली पहुंचने से पहले ही अपने को देखो फोग मिल गया, मनाली में तो बर्फ है, यहाँ पे तो फोग ही फोग है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में फोग चल रहा है। इंडिया में फोग चल रहा है, फोग क्या चल रहा है? फोग चल रहा है अभी, लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है फोग में, डिफिकल्ट है अभी। देखो उसमें दिखाओ, उसमें फोग दिख रहा है ना, ये देखो फोग, अभी फोग बराबर दिख रहा है, देखो फोग ही फोग है। वाओ, ये देखिए भाई अभी वापी 22 किलोमीटर है, यहाँ पे इतना फोग है गाड़ी चलाने को नहीं हो रहा है। अभी 2:10 हुआ, 2:10 बज गए, कुछ नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, सारे गाड़ियां देखो स्लो ही जा रहे हैं। विजिबिलिटी बोले तो मुझे लगता है कम से बहुत कम है। देखो अभी कौन सा साइड लेता लेगा वो भी मुझे नहीं मालूम, वो हिसाब से हो गया मेरा। डर लग रहा है गाड़ी चलाने को, लेकिन यहाँ पे कि अभी कहीं भी पार्क भी नहीं कर सकते गाड़ी, एक्सीडेंट होगा ना पीछे से गाड़ी आके ठोकेगा। अभी गुजरात में चिकले पहुंचे, यहाँ से अभी डीजल भर रहा हूँ, खाली 4 रुपये कुछ फर्क है मुंबई से। फुल के यहाँ बस हो गए, बस कट हो गए ना, बस ऐसे बंद कर दो काटे। अभी कितना 3:30 हो गया, 3:30 बज गए अभी रात को। 59 लीटर हो गया अभी, 5502 का डीजल डाल दिया अभी। अभी गाड़ी लबालब भर गया भाई, अभी देखता हूँ कहाँ तक चलाते, नींद भी आ रहा है। 3:30 बजे तो क्या ठंड जबरदस्त है, 16 डिग्री दिखा रहे हैं ठंड, मजा आ रहा है मजा, क्योंकि पूरा डीजल भर दिया गाड़ी में और थोड़ा रिफ्रेश होता हूँ उसके बाद वापस गाड़ी चलाता हूँ। ओके, कीमा पाव मिला, कीमा पाव लिया अभी खाने के लिए।
अभी भी ये होटल अल्फाम से हम लोग अभी कीमा पाव खाए, अभी 4 बज गए क्योंकि अभी आगे जाके क्या है, अभी नॉन वेज का ऑप्शन बहुत कम रहेगा, तो जितना नॉन वेज मिल सकता है वो मैं अभी आज ही खा लिया। देखो ये गाड़ी का देखो शीशा टूटा हुआ है और उसमें क्या सेलो टेप सब लगा के वो उसको बंद कर रखा है, कुछ भी करते हैं लोग। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा। मैंने व्लॉग देखा था, उसमें कह रहा था कि गुजरात में कार को टोल नहीं है ऐसा, लेकिन वो भी शायद फेक ही निकला है। टोल तो है, वो क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। रोड भी उतना मक्कन जैसा कुछ नहीं है।
प्लेन थोड़ा खाली मिली थी, वापस देखो डबल ट्रैफिक है। से भी जा रहा है रेलवे, इंडियन रेलवे। हेलो, हाईवे पे एक फूड कोर्ट मिला है, वहां पे अभी रुके हैं, नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट किया है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, लेकिन अभी अंदर जाके देखता हूँ क्या अभी खाना क्या मिल रहा है। बनाए मस्त बनाए। दो दिन गाड़ी खड़ी है, कौन सा गाड़ी है मालूम नहीं, लेकिन ये कोई गाड़ी है। एमजी का है, एमजी एक्टर, एमजी का गाड़ी है, एमजी का गाड़ी। साढ़े 11:25 हुआ है, 10:30 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुका था, 1 घंटा लगा वहाँ पे, तो वो सब हो गया, अभी वापस चालू हो गया, 11:25 हो गया। अभी देखते हैं, आराम से जा रहे हैं, और भूख लगेंगे तो फिर लंच भी करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट करेंगे। कितना टाइम पे उदयपुर, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंचना है, क्योंकि हम लोग ने अभी कोई होटल बुक नहीं किया है, ऑनलाइन में वगैरह में देखा, लेकिन रिव्यूज़ कुछ लोग अच्छा लिखा है, कुछ लोग नहीं, तो फिर रिस्क नहीं लेने का वहाँ पे। अगर हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो रोड पे तो घटना है, पहुँचते तो फिर खुद देख के डिसाइड करेंगे होटल्स। रोड भी उतना खास नहीं है अभी, रोड देखो, रोड भी ट्रैफिक है, उतना फास्ट नहीं जा पाएंगे। राजस्थान एंट्री हो चुका है हम लोग, राजस्थान, गुजरात।
उदयपुर में ये होटल में रूम लिया है, वो सिटी में ही है, बाजू में विशाल है और ये हाईवे है, मतलब सिटी में ही है। तो मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ, ये अपनी गाड़ी से। तो हम 4 बजे यहाँ पे पहुँच गए उदयपुर। तो हमारा ट्रैवलिंग बहुत लंबी हो गई। हमने 27 तारीख को 9 बजे नैनीताल से निकला था। एक्चुअली हमें कारगर होके ऐरोली होके थाना फिर घोड़बंदर रोड वैसा आ सकते थे, लेकिन हमने तलोजा और अपना मुंब्रा बाईपास होके थाना आके फिर वहाँ से घोड़बंदर रोड वो रास्ता लिया, क्योंकि मुझे मुंब्रा से शीख खाना था तो इसलिए वो लिया। लेकिन क्या बोलूँ, तलोजा में तो एक्सपेक्टेड था, वहाँ पे भी एक घंटा ऐसे ही गया ट्रैफिक में। और वहाँ पे फिर हम शीख सब खा के फिर घोड़बंदर रोड पहुँचते 3 घंटे लगे। 9 बजे निकल के 12 बजे हम लोग घोड़बंदर रोड क्रॉस किया। वो जो फाउंटेन वो जो नाका है ना, वो खतरनाक नाका जो कभी भी ट्रैफिक में होती है, वो क्रॉस करते करते 3 घंटे हो गए। और उसके बाद वापी में इतने फोग मिले कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। मुझे अपना यमुना एक्सप्रेस वे का हमने टीवी में सब देखा था, जो क्रैशेस होते वैसे की सिचुएशन थी, वैसा सिचुएशन थी उस टाइम पर। मैं भी डर गया था, ऐसे सामने गाड़ी की मैं देखा ही नहीं। तो फिर बाद में सब लोग ने हजार जो लाइट है वो डाल के वो चला रहे थे। फिर एकदम एक्चुअली चलाना ही मुश्किल हो गया था। हमने ऐसे भी सोचा क्यों हम अभी निकला, ऐसे हो गया था। फिर भी मैं कंटिन्यू किया। फिर चल 4 बजे कहीं रुक के हमने वो पाव और कीमा खाए। उसके बाद फिर नींद बहुत मुझे आने लगे। तो 5:15 बजे मैंने गुजरात में कहीं एक होटल के सामने गाड़ी पार्क करके वहाँ पे रेस्ट किया। मैं सोया नहीं, 7:45 बजे तक रेस्ट किया। वहाँ से फिर गाड़ी लिया, फिर ऐसे ही चलते चलते फिर हमने हरोल मुड़ासा बाईपास ऐसा होके आया था, लेकिन वो SH में पड़ता है। फिर बाद में जाके हमने नेशनल हाईवे पे 48 पे फिर कनेक्ट हुआ था। लेकिन ये जो SH से जो आया ना, वो जो रास्ता वो एकदम बिल्कुल गलत निकला। हमने कहीं YouTube में भी देखा था कि कोई ऐसे बोल रहे थे वैसा जाओ करके, लेकिन आप कभी मत जाओ NH 48 छोड़ के, कहीं मत जाना, वही रास्ते से जाना, नहीं तो हमको जितना परेशानी हुई वैसे परेशान हो जाएंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम नॉर्थ की साइड में आ रहा हूँ, इसके लिए अभी तो मेरा जो भी है वो पर्सनल एक्सपीरियंस ही होगा। जो भी हो अभी तो ये वीडियो में ये रूम टूर आपको करवा के एंड करता हूँ। और नेक्स्ट अपना है जो चंडीगढ़ है, वो उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, निकल रहा हूँ। और आप जो चैनल में नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सब लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। ये हमारा उदयपुर में लिया वो रूम है, मैं ऑनलाइन से नहीं लिया, ऑफलाइन ही लिया। ठीक है, अच्छा है, टीवी है, AC का तो जरूरत नहीं, इतना है, ठंड है, टॉयलेट है।